बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज बन रहे हैं पानी के पकोड़े, जो कि बहुत ही चटपटे तैयार होते हैं। तो उसे हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल में ले लिया है एक कप बेसन, जिसे ग्राम फ्लावर भी कहते हैं। ये लेके मैंने इसमें डाल दिया है नमक हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून के करीब ही मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, वो मैंने डाल दिया है। इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से पानी से मिक्स करूँगी, इसका मिक्सचर बनाऊँगी। और पानी आप इसमें जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक थिक बैटर बनाने के लिए इसे मैंने बना लिया है, अच्छे से फेंट के, इसमें गुठलियाँ बाकी ना रहें। इसे मैं रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, इसे रेस्ट दूँगी। इतनी देर में हम इसका पानी तैयार करते हैं। 2.5 कप पानी लिया है मैंने, उसमें मैंने डाला है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साथ में नमक लिया है 1/2 टीस्पून, काला नमक लिया है 1/2 टीस्पून, आमचूर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा पुदीना जो है ड्राई वो लिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, और उसके साथ में कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। वो डाल के मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पल्प तकरीबन 1 कप, थोड़ा सा और इमली का पल्प डाला था जितना मैंने दिखाया है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने। और वो डाल के मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। इसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो प्याज है मेरे पास ये 1 प्याज है, स्लाइस्ड अनियन, इसके साथ ही 1 ही हरी मिर्च है। आप इसमें से जो चाहें स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज और हरी मिर्च है। मैं इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी इसे फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रखने से मतलब ये ठंडा अच्छा लगता है इसलिए। और इसके बाद हम अपने पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, और जो मिक्सचर मैंने बना के रखा था इसमें इस वक्त मैंने 1 टेबल स्पून जो चमचा है इसी के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, और ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। आप हाथ से बनाएं या चमचे से बनाएं, जैसे भी मर्ज़ी बना सकते हैं। मैंने चमचे से इसमें पकोड़े डाले हैं, जो कि काफ़ी टेढ़े मेढ़े बने हैं। आप जैसे चाहें बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे बाद में भिगो देना है पानी में, ये खुद ब खुद फूल जाते हैं। तो ये बनाया है मैंने, जैसे ही इस पर कलर आ गया है, मीडियम आंच पे फ्राई किया है तकरीबन 3 से 4 मिनट इन्हें मैंने, और इसके बाद मैं इसे डायरेक्ट पानी में डालती जा रही हूँ। ये नॉर्मल सादा पानी है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ, इसमें मैं डालती जाऊँगी। और तकरीबन 2 मिनट बाद जैसे ही मुझे लगा कि वो फूल गए, तब मैं उन्हें निकालूंगी। जब तक मैंने अगली लॉट डाल दी है। इसी तरह से आपको जितने भले चाहिए आप बना सकते हैं। ये बना लिया है, इसके बाद पानी तैयार हो चुका है। अब ये जो है वो फूल चुके हैं भले। अब इसका पानी मैं आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों के साथ स्क्वीज़ करके इसमें डाल दूँगी, निचोड़ निचोड़ के, और थोड़े हल्के हाथ से, ताकि ये भल्ले टूट ना जाए। इसी तरह से बाकी सारे भल्ले मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। इसे मैंने सर्व किया है फ्रेश पुदीने के पत्तों के साथ, उन्हें चॉप करके डाला है, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला। इसे मैंने इसके बाद फ्रिज में रख दिया था। ये ठंडा होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप अगर आपका कुछ भी खट्टा खाने का दिल करे, या आपको गोलगप्पे खाने हैं, या कोई भी चटपटी चीज़ खानी है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाएं। ये बहुत ही शानदार मज़ेदार तैयार होता है। एक टिप यह है कि इमली का पल्प जो है वो इसमें नीचे चला जाता है, तो जब भी इसे आप खाएं तो हिला के निकालें, और इसमें भल्ले डाल के कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद इसे खाएँ। ये बहुत मज़ेदार तैयार होता है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.